पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के बावजूद भी यूपी में अपराध कम होता नहीं दिख रहा है। नौबत यहां तक आ गई है कि देश की सुरक्षा में तैनात सेना कर्मियों का परिवार भी अब दबंगई का शिकार हो रहा है। ताजा मामला अमेठी के संग्रामपुर के शुकुलपुर गांव में सामने आया है, जहां मकान की मरम्मत करा रहे पशु मित्र पर भूमि विवाद में पड़ोसी ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना में घायल पशु मित्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक राजेंद्र मिश्रा पिछले कई सालों से संग्रामपुर अस्पताल में पशु मित्र के पद पर कार्यरत हैं। मंगलवार को वो अपने घर की मरम्मत करा रहे थे। शाम को जब घर के पड़ोसी आए तो दोनों के पक्षों में विवाद होने लगा। आरोप है कि विपक्षियों ने धारदार हथियार से घर में घुसकर हमला कर दिया। घटना में राजेंद्र और उनके परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आसपास के लोगों की मदद से परिजन आनंद फानंद में इलाज के लिए सीएससी ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पिताजी को मार दिए हमारे पड़ोसियों ने, घर में घुस के धारदार हथियार से मार के लिटा दिए, और महिलाओं को भी मारा। हमारे घर में कोई था नहीं सर, दीवार ही धागे मारा, दीवार प्लास्टर हो रही थी, उसके बीच में कोई था नहीं। उसी बीच हमारे पड़ोसी 6-7 लोग थे, अशोक कुमार, वागीश कुमार, चंद्रमान, गौरव, सत्यम। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। पुलिस ने इसके पहले भी काफी बार विवाद हुआ, पुलिस को पहुंच दिया गया, ये नहीं, कोई सूचना नहीं हुई, कुछ हुआ नहीं था। आज फिर एक बैग हमारे घर के ऊपर चढ़ के हमारे छत पे हमारे घर में घुस के, हमारे घर में कोई नहीं था इसलिए हमारे पिताजी को मार दिए। अभी हमारे पिताजी स्पायर हो गए। मैं खुद एक देश में सेवा करता हूँ, मैं खुद एक देश का जवान हूँ, मैं अपने पिता को नहीं बचा सकता तो मैं देश के लिए क्या करूँगा। मुझे आज बहुत शर्म महसूस हो रही है इस चीज के लिए। गाँव है संग्रामपुर थाना क्षेत्र में, उसी में राजेंद्र मिश्रा जी हैं। ये अपने घर की दीवार पे तिराई कर रहे थे प्लास्टर करने के लिए, उसी में इनके बगल के घर के कुछ लोग हैं, उनके द्वारा उन पर हमला किया गया और उनको गंभीर चोटें आई, और चोटों के सीक्वेंस में ही वो जैसे ही सीएचसी यहाँ अमेठी में आए तो उनकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकरण का संज्ञान लेकर सभी हम लोग मौके पर आए हैं, और इसमें अभी घटनास्थल भी मेरे द्वारा जाकर निरीक्षण किया जाएगा और FSL को भी बुलाया गया है। तहरीर मिलते ही हम लोग इसमें मुकदमा पंजीकृत करके इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन लेंगे। और अमेठी से हमारे संवाददाता लोकेश त्रिपाठी की खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। लोकेश, जमीनी विवाद में दो पक्षों में मारपीट हुई है, जिसमें पता चला है कि एक सैनिक के पिता की मृत्यु हो गई है, हत्या कर दी गई है। जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में आपस में जबरदस्त मारपीट होती है, लाठी डंडों से लैस होकर सैनिक के घर में घुस जाते हैं पड़ोसी, और घर में घुसकर आंगन में उनकी पीट पीट कर जो है लहूलुहान कर देते हैं, जिसको आनंद फानंद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। इस तरह से एक सैनिक जो है जो देश की रक्षा कर रहा है वो अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पा रहा है, उसका परिवार खतरे में है। कहीं ना कहीं इसको लेकर अमेठी पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अमेठी की पुलिस जो संबंधित थाना है, उस थाने के जो थाना अध्यक्ष थे पूर्व में, उनके द्वारा इस जमीनी विवाद को लेकर जो है संवेदनशीलता नहीं अपनाई गई, जिसके चलते आज यह इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। कहीं ना कहीं पुलिस अमेठी पुलिस लगातार सवालों के घेरे में खड़ी हो रही गरे में खड़ी हो रही है, और जो है इस तरह की उसकी कार्यशैली है कि जो है घटना जैसी वारदात और हत्या जैसी वारदात को लोग अंजाम देने में जरासमी पीछे नहीं हट रहे हैं। जी फिलहाल लोकेश, इसमें अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? जी आपको बताना चाहूंगा कि इसमें लगभग 6 लोग नामजद किए गए, 6 लोग नामजद किए गए हैं, और पुलिस जो है 4-5 लोगों को उठाकर लाई है, उनसे इंक्वायरी कर रही है, पूछताछ कर रही है, और बाकी 1-2 लोग लगभग फरार हैं, और जो है उनकी भी धरपकड़ में पुलिस जुटी हुई है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।